हेलो गाइस, हेलो, नमस्कार, चैनल के स्वागत है, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अपने श्रीमान नारायण के टोटल कलेक्शन के बारे में। दो दिन में फिल्म ने कितना बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया है उसके बारे में। फिल्म 27th को रिलीज़ हुई थी, लेकिन इसके शोज़ जो हैं वो 26th के नाइट से ही, जब प्रीमियर शोज़ रखा गया था उसी टाइम से हाउसफुल चल रहा है। और फिल्म ने दो दिन में बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचा दिया है। आपको बता दूं कि फिल्म को लगभग 400 स्क्रीन्स पे रिलीज़ किया गया, सिर्फ कर्नाटका में ही, कन्नड़ा लैंग्वेज में ही पहले फिल्म को रिलीज़ किया गया है, और बाकी के जो लैंग्वेज में रिलीज़ करने का प्लान है वो आगे है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म ने दो दिन में कितना कलेक्शन किया। लेकिन उससे पहले एक बात आप लोगों से बोलना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी आप फिल्मों के सीन्स के रिएक्शन वीडियो क्यों नहीं करते, तो बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे, तो मुझे लगा कि ये जवाब देना बिल्कुल अभी सही टाइम है। तो देखो, मैंने कुछ दिन पहले ही एक चैनल पर स्ट्राइक खाई है, जब कि चसुदीप सर ने इंटरव्यू दिया था बॉलीवुड हंगामा को, तो उनके क्लिप्स मैंने यूज़ किए थे वीडियोज़ में, जबकि मैंने पूरा उनको क्रेडिट दिया था और सब कुछ दिया था। पहले तो क्लेम किया उन लोगों ने और नेक्स्ट डे वीडियो पे स्ट्राइक मार दी। मैंने रिक्वेस्ट किया उनसे, बहुत सारे मेल किए, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं। आप लोगों ने भी बहुत सारे मेल किया, ट्वीट किया उनको, तो फाइनली उन्होंने कुछ दिन बाद रिस्पांस किया कि नहीं, हम वो वापस नहीं ले सकते, हमारी पॉलिसी है। तो चैनल पे अभी एक स्ट्राइक है, तो अब डर लगता है। और अगर आप देखोगे तो जितने भी फिल्म के सीन्स थे ना, मैंने सभी को प्राइवेट कर दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक और स्ट्राइक आए और आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। क्योंकि वो स्ट्राइक जब तक अब रिमूव नहीं होती, वो March 7th को रिमूव होगी वो स्ट्राइक, तब तक तो खैर जो हालत होगा वो तो मैं ही समझ सकता हूँ, या जिन लोगों ने स्ट्राइक खाई हुई है उनको पता होगा। तो यही रीज़न है कि चैनल पे अभी मैं कोई भी, हाँ, सॉन्ग्स के मैं रिएक्शन वीडियो कर रहा हूँ, लेकिन फिल्मों के करना मैंने अभी बंद कर दिया, रोक दिया है मैंने। करूँगा, इन फ्यूचर होगा, वो बिल्कुल होगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने ब्रेक लगाया हुआ है। और फिलहाल मैं सॉन्ग्स पे और जो न्यूज़ जितने भी आता है या ट्रेलर्स आ रहे हैं उसके मैं रिएक्शन वीडियो कर रहा हूँ फिलहाल। तो ये तो बात हो गई, ये ज़रूरी था बात करना। अभी बात करते हैं कि फिल्म अपने श्रीमान नारायण ने कितना कलेक्शन किया। फिल्म को 400 स्क्रीन्स पे रिलीज़ किया गया है, और पहले तो प्लान था कि सभी लैंग्वेज में एक टाइम ही रिलीज़ कर दिया जाए, लेकिन बाकी लैंग्वेज में प्रमोशन नहीं हुआ था फिल्म का, इसलिए फिल्म के बाकी लैंग्वेज के रिलीज़ डेट को आगे पोस्टपोन किया गया। 27th को फिल्म रिलीज़ होना था, लेकिन 26th के नाइट में ही प्रीमियर शोज़ रखे गए थे, जहाँ पे पहले शो को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, उसके बाद सभी ने स्टार्ट ही कर दिया, ऑलमोस्ट सारे शोज़ जो थे वो हाउसफुल चल रहे थे। तो फिल्म ने फर्स्ट डे का टोटल कलेक्शन किया 12.10 करोड़ का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 12 करोड़ का कलेक्शन किया सिर्फ 400 स्क्रीन। और 400 तो था ही नहीं उस टाइम, तो अप्रॉक्स 350 के आसपास था। 50 शोज़ जो है वो थिएटर्स वो बाद में बढ़ाए गए नेक्स्ट डे करके, और फिल्म ने पहले दिन 12.10 करोड़ का कलेक्शन किया। और फिल्म ने सेकेंड डे भी, फिल्म के कलेक्शन में हल्की सी गिरावट आई। अब ये क्यों आया, इसके पीछे भी रीज़न जो है वो मैं बताता हूँ। फिल्म ने सेकेंड डे लगभग 10 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया, तो फिल्म ने दो दिन में अगर मैं बात करूँ तो 23 करोड़ के आसपास टोटल कलेक्शन कर लिया है। ये नंबर जो है वो ऊपर भी बढ़ सकता है, क्योंकि फिल्म को इंडिया से बाहर भी रिलीज़ कर दिया गया था कल, तो ये नंबर ऊपर भी जा सकता है। मैं एग्जैक्ट नहीं बोल सकता कि यही नंबर फिल्म ने कलेक्ट किया है, ये ऊपर नीचे जा सकता है नंबर जो है वो अमाउंट का। अब बात करते हैं कि फिल्म के सेकेंड डे पर इफ़ेक्ट क्यों आया। आप लोगों को पता ही होगा, कोई भी फिल्म रिलीज़ होती है और वो ऑनलाइन लीक हो जाती है। यही हुआ अपने श्रीमान नारायण के साथ। टीम ने पूरी वो चाहा कि फिल्म को लीक नहीं होने दिया जाए, लेकिन फिल्म लीक कहाँ से होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जो छोटे थिएटर्स होते हैं ना, जो गांव में होते हैं जहाँ पे फिल्म लगती है, वहाँ पे थिएटर्स ओनर ही मिल के और फिल्म को लीक करा देते हैं। क्योंकि जब तक कोई थिएटर ओनर चाहेगा नहीं, कोई भी बंदा फिल्म को रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, कैसे कर लेगा कोई भी। तो वो लोग मिले होते हैं उन लोगों से, उनको अमाउंट मिलता है अच्छा खासा, क्योंकि ऑनलाइन का धंधा जो वो बहुत ही खतरनाक का है, लीक वीक पायरेसी का। वो लोग रिकॉर्ड करवाते हैं, अच्छा अमाउंट लेते हैं और फिल्म को वेबसाइट पे डाल देते हैं ऑनलाइन पे। फिल्म जो है वो रिलीज़ के कुछ घंटों बाद ही ऑनलाइन लीक हो गई थी। जी हाँ, आपने ये न्यूज़ सुना होगा या नहीं सुना होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको वेबसाइट का कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग जाके फिर सर्च करोगे, मुझे पता है। तो फिल्म ऑनलाइन लीक हो गई थी, इस कारण से फिल्म के कलेक्शन पे बहुत ही इफ़ेक्ट आया है। बहुत तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो इफ़ेक्ट आया ही है, और हर फिल्म के साथ ऐसा होता है, ये कोई नई बात नहीं है। चाहे रीजनल फिल्मों की बात करूँ, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कुछ भी, हिंदी,
हॉलीवुड सभी फिल्में लीक हो जाती हैं रिलीज़ के दिन ही, तो ये इस पे रोक लगाना अभी बहुत ज़रूरी हो गया है। ये चीज़ बढ़ती बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, तो इस कारण से फिल्म के सेकेंड डे के कलेक्शन पे थोड़ा सा इफेक्ट आया है। लेकिन आज संडे है और आज उम्मीद है कि फिल्म के कलेक्शन में हमें ग्रो देखने को मिलेगा। संडे है, छुट्टी है, तो बहुत सारे लोग जाएंगे फिल्म देखने आज। और फिल्म जो है, बाकी लैंग्वेज की बात करूँ तो तेलुगु 1 जनवरी, 3 जनवरी तमिल और मलयालम, और 17 जनवरी को फिल्म हिंदी में रिलीज़ हो रही है। और हाँ, जब मैंने उसका एक रिव्यू वीडियो बनाया फिल्म जिस दिन रिलीज़ हुई, तो एक बंदे ने कमेंट किया कि जब तुमने फिल्म देखी नहीं तो रिव्यू कैसे कर सकते हो। मैंने बोला भाई फिल्म वीडियो देख लो मेरा, पहले पता चल जाएगा कि मैंने वो वीडियो किस लिए बनाया है। जिन लोगों ने पूरी वीडियो देखी उनको पता है कि वो वीडियो किस बारे में है। मैंने उस पर फिल्म के बारे में रिव्यू नहीं किया क्योंकि मैंने फिल्म नहीं देखी है। झूठा रिव्यू मैं नहीं करता, जो फिल्म देखता हूँ उसी का रिव्यू करता हूँ। तो मैंने वहाँ पे बात किया, पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स रहा है, पब्लिक क्या फिल्म के बारे में बोल रही है और किस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है फिल्म को। टोटल वीडियो उस बारे में था कि ऑडियंस को किस तरीके की फिल्म लगी है, ऑडियंस ने क्या सोचा था फिल्म के बारे में, फिल्म क्या है, इस बारे में मैंने बात किया था उस वीडियो में। जिन लोगों ने देखी पूरी वीडियो उनको समझ आ गई थी, एक दो लोगों ने नहीं देखी जो कि सिर्फ थंबनेल देख के या टाइटल पढ़ के आ जाते हैं कमेंट करने, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ थी। जिन लोगों ने पूरा वीडियो देखा उनको पता है कि ये वीडियो किस बारे में था। वो तो यही है, फिल्म ने 2 दिन में अप्रॉक्स 23+ करोड़ का बिजनेस किया है और आज फिल्म के कलेक्शन में ग्रो होने का बिल्कुल उम्मीद है। संडे है तो देखते हैं आज का कलेक्शन जो भी आएगा, मैं आपको अपडेट करूंगा ही। तो बस अभी आज के इस वीडियो में यही क्या बोल रहा हूँ मैं ओके तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और ये वीडियो पूरा 1 टेक है, कोई एडिट नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि लाइट का इशू है। अभी मैं थंबनेल कैसे बनाऊंगा मुझे भी पता नहीं है, लेकिन बन जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।